आईजी दारापुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि कासगंज की घटना पहले से प्रायोजित थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि घटना के पीछे माहौल को खराब करने की नीयत थी। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों के हाथों में तिरंगा कम, भगवा रंग के झंडे ज्यादा थे। कासगंज की घटना का जिक्र करते हुए दारापुरी ने बताया कि घटना के बाद हम और साथियों ने मिलकर मौके पर जाकर वहां का जायजा लिया और लोगों से भी मिलकर आए। हम लोगों ने जो वहां पाया, ये पाया कि वहां पर जो तथाकथित दंगा हुआ है वो बिल्कुल एक प्लान्ड वे में हुआ है, नियोजित ढंग से हुआ है। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, सब वीडियो फुटेज सब आ चुके हैं कि 26 जनवरी को वहाँ पर मुसलमान जो है वो बद्दूपुर जो है उसमें अब्दुल हमीद चौक हमीद चौक पर अपनी 26 जनवरी की तैयारी कर रहे थे, झंडा फहरा रहे थे। तो अचानक वहाँ पर जो है 100-150 लड़के जो है मोटरसाइकिल पर आते हैं, नारे लगाते हुए आते हैं, हिंदुस्तान में रहना है तो ये वंदे मातरम कहना होगा, प्लस इसके साथ कुछ ऐसे आपत्तिजनक नारे लगाते हैं जो कि जिन पे किसी को भी गुस्सा आ सकता है। वहाँ पर है जो प्रोग्राम अपना प्रोग्राम कर रहे थे, उन्होंने किसी प्रकार का कुछ नहीं किया, उन्होंने निवेदन किया कि भाई हम लोग मना रहे हैं, हम लोग को मना रहने दीजिए और आप शामिल हो जाइए इसमें, और या आप दूसरे